ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा। किसी व्यक्ति को याद करना माना उसका रूप रंग याद करना नहीं है, अपितु उस व्यक्ति के गुण और योग्यताओं को स्मृति में लाकर उनको अपने में लाने की प्रेरणा लेना है। राता जगदीश चंद्र हसीजा जी जीवन भर साहित्य की साधना द्वारा ज्ञान नेत्रहीन मनुष्यात्माओं को ज्ञान चक्षु प्रदान करने की सेवा करते रहे, ताकि मनुष्य आत्माएं सृष्टि पर गुप्त रीति से चल रहे ईश्वरीय कार्य को समझ अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सके। सबसे बड़ी जो मेरे सामने उनकी बात रहती है कि एक आदर्श राजयोगी जीवन क्या होती है, एक आदर्श ज्ञानी तो आत्मा की जीवन क्या होती है, और एक आदर्श सेवाधारी ब्रह्मा कुमार की जीवन क्या होती है। उन्होंने सारे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए ऐसा सादगी से अपना जीवन बिताया। वे जितने गंभीर थे उतने ही रमणीक भी। उनकी वार्ता में हास्य का शालीनपुर स्वाभाविक रूप से रहता था। जब वे क्लास कराते गंभीर विषय चल रहा होता, वे परत दर परत खोलकर उसे स्पष्ट करते जाते और बीच में ही कोई ऐसी बात बहुत सहज रीति से कह जाते जो सबके होठों पर हंसी फूट पड़ती। वातावरण को हल्का बनाने में वे सिद्ध हस्त थे। वे बड़े मजे में कहते, मेरे नाम के आगे हसीजा आता है, अर्थात हसीजा हसीजा, इसीलिए मैं हंसता हूं और हंसाता हूं। ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हुए देख करके उनको थोड़ी सी दिल में कभी कभी बात आती थी कि एक्सपांशन वरदान तो है, परंतु साथ साथ वो परीक्षा भी बनता है। तो जो बाबा ने, जो मम्मा ने, जो दादियों ने एक लक्ष्य रख के एक क्वालिटी मेंटेन किए थे, ब्रह्मा कुमारी क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का क्या स्टैंडर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उन्होंने, तो किस तरह से ये संस्था चलना चाहिए, उसमें उनको सदा ही ये रहता था एक्सपांशन में ऐसा ना हो जो बाबा ने दिया हुआ स्टैंडर्ड में कहीं कमी हो। मैं सबको हमेशा ये होता था कि ईश्वर एक है और सर्व का पिता है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक है या वैज्ञानिक है, लेकिन हर एक तक ईश्वर का संदेश जाना जरूर चाहिए। इसलिए उन्हें जैसे भी, क्योंकि माउंट बैटन भारत के स्वतंत्रता के बाद भी कुछ समय यहाँ रहे ताकि सब चीज़ें सिस्टमेटिकली हो जाएं, तब वो जाएंगे, तो भाई सब को उनके लिए बहुत रिगार्ड था। इसी प्रकार उनसे मिले और उनको ईश्वरीय संदेश सुनाया। इसी प्रकार पोप जब आए तो पोप के कार्डिनल से विशेष बैठे, विशेष मिले और पोप को भी बाबा का संदेश देने के लिए रातों रात कास्केट तैयार किया गया जिसमें झाड़ त्रिमूर्ति था और वो उनको भेंट किया गया। शरीर अस्वस्थ होते भी वे ईश्वरीय सेवाएं करते रहे और सबसे कहते रहे, मेरा शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। वे अक्सर कहते थे कि मेरी आयु अगर 72 वर्ष है तो मैंने 100 वर्ष की आयु जितना काम किया है। अंतिम श्वास तक उनको स्वयं से एक ही गला रहा कि मैं शिव बाबा को संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य न होकर भी उनकी बाप समान धारणाएं और प्रेरणाएं, उनकी अमूल्य लेखनी सदा हमारा मार्गदर्शन करती है। दैवी संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के दाता महान विभूति विजयी रत्न भ्राता जगदीश जी को सर्व ब्रह्मा वत्सों की तरफ से बार बार शत शत श्रद्धा सुमन अर्पण और नमन। भ्राता जगदीश भाई जी की विशेषताएं, सद्गुण, तीक्ष्ण बुद्धि, उत्तम व्यवहार को देख संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये बच्चा विद्यालय का चीफ स्पोक्समैन होगा। ओम शांति।